नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। सुर्खियों में अडानी से जुड़े फैसले देने वाले जज जस्टिस अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर आखिर क्यों खड़ा हुआ हंगामा, आज इसी पर होगी बात। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जज जस्टिस अरुण मिश्रा 2 जून को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन इससे जुड़ी आपको 2 बातें बताते हैं। देखिए, पहली बात, ये पद पिछले 6 महीनों से खाली पड़ा था। इससे पहले इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे और उनका कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म हो गया था। अब दूसरी बात, जस्टिस दत्तू के रिटायरमेंट के 3 महीने पहले यानी 3 सितंबर 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके थे, पर उनका सरकारी आवास 13 अकबर रोड नई दिल्ली 9 महीने तक खाली नहीं कराया गया। लेकिन नियमों के मुताबिक 1 महीने के भीतर ये सरकारी आवास खाली हो जाना चाहिए था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि शायद अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने की सरकार की पहले से ही प्लानिंग थी। वैसे जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति को लेकर 71 बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने अपने सांझा बयान में पूछा कि इस नियुक्ति का आधार आखिर क्या है। जस्टिस मिश्रा पर आरोप, अडानी के पक्ष में दिए गए एक के बाद एक 6 फैसले। पहला केस, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला ये मुकदमा अडानी गैस लिमिटेड बनाम यूनियन गवर्नमेंट था। ये केस नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क प्रोजेक्ट से संबंधित था। अडानी गैस लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट उदयपुर और जयपुर में चल रहा था, लेकिन राज्य के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें न मानने पर राजस्थान सरकार ने इसे 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस लेने के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जमा किए गए 2 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए। साथ ही दोनों शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी। अडानी गैस लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन की बेंच ने राजस्थान सरकार का फैसला ही पलट दिया। गैस प्रोजेक्ट फिर से अडानी को मिल गया और 2 करोड़ रुपए की जब्ती भी रद्द कर दी गई। फैसले की तारीख थी 29 जनवरी 2019। दूसरा केस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड एंड अदर्स का केस था। टाटा पावर मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती थी। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड केवल उपनगरों या फिर यूं कहें कि शहर के बाहर से कुछ इलाकों में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। टाटा पावर के 108 कस्टमर थे। ये वो कंपनियां थी जो टाटा से बिजली लेकर शहर में बिजली आपूर्ति करती थी। BSES रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को TPC को पहले से बकाया राशि के साथ टैरिफ की रकम जोड़कर देनी थी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को टाटा पावर सारा बकाया दे चुका था, मतलब एक चेन थी। टाटा पावर अपने कस्टमर जिसमें रिलायंस की कंपनी भी थी उनसे टैरिफ और बकाया लेती थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक तरह से रेट देती थी। पर कंपनी के आंतरिक बदलाव की वजह से BSES एनर्जी लिमिटेड 24 फरवरी 2004 को रिलायंस एनर्जी लिमिटेड में तब्दील हो गई। TPC और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने फैसला अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पक्ष में दिया था। फैसले की तारीख थी 2 मई 2019। तीसरा केस, ये केस परसा काचा कॉलरेज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन का है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण सरगुजा के हसदेव अरण्य कोल फील्ड्स के परसा इंस्ट और केतेबासन में आवंटित कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर वहां के आदिवासियों में गुस्सा था। इस प्रोजेक्ट में अडानी और राजस्थान सरकार के बीच 74% और 26% की हिस्सेदारी थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे रोक दिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी आदिवासियों की आपत्ति को नोटिस जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की बेंच ने अडानी के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। इस मामले की सुनवाई पहले से जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच कर रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस ने इसे हड़बड़ी में जस्टिस मिश्रा की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में सूचीबद्ध कर दिया। बिना पुरानी बेंच को जानकारी दिए इसकी सुनवाई भी हो गई और फैसला भी आ गया। फैसले की तारीख थी 7 जून 2019। चौथा केस, ये मामला अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच का है। इसे भी ग्रीष्मकालीन अवकाश बैच में लिस्ट किया गया। 23 मई 2019 को जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की बैच ने सुनवाई की। एक ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित भी कर लिया गया। फिर अडानी की कंपनी को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ बिजली वितरण का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मंजूरी भी दे दी गई। फैसला इसी आधार पर दिया गया कि सरकार की कोल खनन कंपनी अडानी पावर लिमिटेड की
कोल आपूर्ति करने में समर्थन रही, जबकि अडानी ने बोली लगाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया था। दरअसल अडानी की कंपनी को लगने लगा था कि सौदा कम मुनाफे का है, लिहाजा अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड करार जारी रखना चाहती थी। फैसले की तारीख थी 2 जुलाई 2019। पांचवा केस, ये केस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड का है। 22 जुलाई 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सरकारी कंपनी पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ अडानी की कंपनी कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ये फैसला सुनाया था। इसमें पावर ग्रिड को कोरबा वेस्ट से बकाया लोन लेना था। पावर ग्रिड का आरोप था कि अडानी की कंपनी ने कानूनी दावपेच के चलते हुए करोड़ों रुपयों का बकाया हजम कर लिया। फैसले की तारीख थी 5 मार्च 2020। छठा केस, सितंबर 2020 में अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड के पक्ष में एक और फैसला आ गया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के समूह की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें ARPL को कंपनसेंट्री टैरिफ देने की बात कही गई थी, और पीठ ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलीय पंचांग के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें ARPL को राजस्थान वितरण कंपनियों के साथ हुए पावर प्रेजेंट एग्रीमेंट के तहत कंपनसेंट्री टैरिफ पाने का हकदार बताया गया था। जानकारों के मुताबिक इस फैसले में अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपयों का फायदा भी हुआ। फैसले की तारीख थी 31 अगस्त 2020। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से अडानी की कंपनियों को करीब 20,000 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ। वे कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दो फैसले इतनी हड़बड़ी में लिए गए कि दूसरे पक्ष के काउंसलर्स को सूचना नहीं दी गई। और फैसले भी हैं जो जस्टिस अरुण मिश्रा पर उंगली उठाते हैं। दरअसल 2015 में जस्टिस मिश्रा देश के तब के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के साथ भी उस स्पीच में थे जिसने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2002 में गुजरात दंगों की जांच फिर खोलने के निर्देश की भी मांग की गई थी। और 2017 में जस्टिस मिश्रा ने उस बैच का नेतृत्व किया था जिसने सहारा बिड़ला पत्रों की जांच की अर्जी भी खारिज कर दी थी। उस मामले में CBI छापे के दौरान आदित्य बिड़ला समूह के ऑफिस से बरामद दस्तावेज सामने आ गए थे। इनसे पता चलता है कि अलग अलग समय पर ऑफिसर और नेताओं को बड़ी मात्रा में भुगतान किया गया था। कोर्ट ने दस्तावेजों को पहली नजर में ही हल्के दस्तावेज कहते हुए केस को खारिज कर दिया। और जस्टिस मिश्रा उस बैच में भी शामिल थे जो कथित तौर पर जस्टिस ब्रज गोपाल हरिकिशन लोया के हत्या के मामले में सुनवाई के लिए गठित की गई थी। जज लोया की मौत उस वक्त हुई जब वे ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जो कि गुजरात पुलिस द्वारा सोहराबुद्दीन शेख और उनके एक सहयोगी की हत्या के साथ साथ उनकी पत्नी कोसर बी के बलात्कार और हत्या से जुड़ा था। 16 अगस्त 2019 को सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अडानी से जुड़े सभी फैसले को लेकर उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी खत लिखा था। 12 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में तुगलक रोड पर बंगला नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट के चार जज जे चैमलेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें जजों ने चिंता भी जताई थी कि कुछ खास मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट की खास बेंच को ही दिया जा रहा है। तब एक पत्रकार ने जजों से पूछ लिया था कि क्या आप जस्टिस लोया की हत्या के मामले को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को सौंपने की बात कर रहे हैं, तो इस पर जज रंजन गोगोई ने कहा था कि हाँ, हम इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मर्दर बुलेटिन। नमस्कार।